फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होने से लोगों के राशन कार्ड कट रहे हैं। राशन कार्ड कटने के विरोध में शनिवार को महिलाओं ने महम रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने काफ़ी देर तक रोड पर जाम लगाकर रखा। इससे रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। महिलाओं का कहना है कि वे मजदूर वर्ग से संबंध रखती हैं, इसके चलते उनके राशन कार्ड बने हुए थे। अब फैमिली आईडी में उनकी इनकम ज़्यादा दिखाई जाने के कारण राशन कार्ड कट गए हैं। महिलाओं का कहना है कि फैमिली आईडी में संशोधन करवाने की मांग को लेकर वे कई बार अधिकारियों से मिल चुकी हैं। बार बार मांग करने के बाद समाधान नहीं होने पर गुस्साई महिलाओं ने महम रोड पर जाम लगा दिया। महम रोड से वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए महिलाओं ने चारपाई और ट्रैली रोड के बीच में खड़ी कर दी। तस्वीरों में महम रोड पर लगी वाहनों की कतार को स्पष्ट देखा जा सकता है। रोड जाम खुलवाने के लिए नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार भी लोगों के बीच पहुंचे। सरकार इसका मुंह की खावेगी, पता लग जाएगा इसने। वोट की चोट है गरीब आदमी के पास और अब ये मुंह की खाने वाली बारी है। एक रुपया भी नहीं लगेगा हमारे ऑफिस में जमा करवा। आपसे अच्छी वाला नहीं, एक में 10 लगने हैं कि एक वार्ड वाइज बैठा दो। एक हफ्ते में एक आदमी अपने पा जाना पाने लिया।